अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस वक्त हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वह है एक्सपाइजियल डेथ, और उसके अंदर हमने एक पार्ट पढ़ लिया था हैंगिंग। आज हम लोग दूसरा जो उसी के टाइप्स में पढ़ेंगे वो है स्ट्रैंगुलेशन। स्ट्रैंगुलेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कि इज़ अ फॉर्म ऑफ वायलेंट एक्सपाइजियल डेथ। ये भी एक्सपाइजिया की एक किस्म है, और इसका जो सबब होता है कॉस्ट्यूम द नेक बाई मीन्स ऑफ लाइगेचर, यानी कि अब लाइगेचर चाहे वो बेल्ट हो, रस्सी हो, या स्टिक हो, या हैंड हो, इसके ज़रिए से क्या होता है कि गले को कस दिया जाता है। इसके नतीजे में क्या होता है कि फिर इंसान सांस नहीं ले पाता है और हब्स की वजह से उसकी मौत वाक़ हो जाती है। यही है स्टूडेंट स्ट्रैंगुलेशन, यानी कि इसके अंदर जो मौत का सबब यही होता है कि रस्सी वगैरह से, ठीक है स्टूडेंट, उसका गर्दन को कस दिया जाता है और एक्सपाइजिया फिर डेवलप हो जाता है, जिसके नतीजे में वो जिस इंसान के साथ ये अमल किया जाता है उसकी मौत हो जाती है। हैंगिंग में स्टूडेंट इस तरह से फ़र्क होगा कि उसमें भी चूंकि गलत अपने से ही कसने से ही उसमें मौत हो रही थी, लेकिन उसमें जो उसका बॉडी का वेट था, है ना, वो सबब बनता था कि जो है आदमी क्या कि वो उसका जो ग्रेविटेशन की वजह से, है ना, उसकी बॉडी जो पुल होती थी तो उसके बाद फिर उसका गला कस जाता था। इसके अंदर स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा, यानी कि ये आगे चल के मेडिकोलिकल इम्पोर्टेंस में एक इसका ये मिलेगा कि जो है अगर किसी को ये कहा गया भाई एक आदमी अपना उसने अपना गला दबा करके, है ना, खुद से उसने अपने आप को सुसाइड कर लिया, तो ये बात काबिल कबूल नहीं होगी कि कोई इंसान जो है, ठीक है, कि वो ये कर सके कि जो है स्ट्रैंगल तकनीक कर सके, अपना गला दबा के खुद से सुसाइड कर सके, ऐसा नहीं हो सकता है। बल्कि ये जब भी होगा वो होमिसाइड होगा, यानी कि किसी का कोई ना कोई इसको शामिल होगा, शख्स या बंदा जो कि मतलब ये अमल किए रहेगा। यानी कि स्टूडेंट इसमें मौत जो है गर्दन पर दबाव खुद जिसमें वजह से नहीं होता पड़ता है, बल्कि किसी के थ्रोटलिंग जैसे हो गया, किसी के कोहनी हुआ, या जैसे या किसी सख्त चीज़ जैसे डंडा हुआ, बांस डोला, जिसके बारे में पढ़ेंगे आप, थ्रोटलिंग, मगिंग, ठीक है स्टूडेंट, इन सब चीज़ की वजह से क्या है वजूहत, गैरोट आगे भी आप पढ़ेंगे, और गैरोटिंग यानी गैरोट क्या होता है, एक आला होता है, एक मशीन होती है, है ना, इसमें क्या होता है कि इंसान को बैठा दिया जाता है चेयर पे, उसके बाद पीछे से उस आले को कस दिया जाता है, उसके अंदर उतना वो लीवर और व्हील्स बने होते हैं जो कि उसको कस देते हैं, जिसके नतीजे में उसका क्या है फिर हब्स हो जाता है, इंसान सांस नहीं ले पाता है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट ये तस्वीर जो आप देखिए उसमें ये बताने की कोशिश किया गया, एक तरफ अगर आप ये देखिए, एक तरफ तो देखिए हाइट बोन है, एक तरफ नॉर्मल रॉटमी है, यानी इधर हाइट बोन होती है, इधर थायराइड कॉटलेज है, और उसी साइड कैरोटिड आर्टरी है, क्रिकॉइड कॉटलेज है, अट्रेकियल रिंग है, इस तरफ एक तरफ रॉटमी। अब इसमें बता रहे हैं कि किसकी कंडीशन में क्या क्या होगा, देखिए फ्रैक्चर अगर हियर इन द स्ट्रैंगुलेशन, जो हाइट बोन के ऊपर साइड में देखिए स्टूडेंट, उसमें लेके इस एरिया में जो है क्या फ्रैक्चर ज़्यादा कॉमन होता है। अगर किसी को बॉक्सिंग जो बैन होते हैं, जो कराटे जूडो जानते हैं, वो अगर उनके मार से कोई इंसान मरता है तो वो मोस्टली जो है ये जो थायराइड कॉटलेज है वो इंजर्ड होती है, है ना, वो उसका ब्रेकेज होता है, जिसके नतीजे में क्या कि इंसान साथ नहीं ले पाता है। या प्रेशर हेयर में भी काज हार्ट स्टॉपेज, या जो नीचे है ट्रेकल रिंग्स है, या है ना स्टूडेंट क्रिकॉइड कॉटलेज के आसपास इस एरिए में अगर जो है कोई इंसान दबाता है उसका गला, है, और फिर उसके नतीजे में क्या होगा कि हार्ट स्टॉप यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि इस तरह का ये कि वेगल इनहिबिशन होगा, है ना, इस्तरारी पैदा हो जाएगी, जिसके नतीजे में क्या है कि हार्ट काम करना बंद कर देगा। अब भाई स्टूडेंट हम इसके टाइप्स की बात करेंगे, तो इसकी टाइप्स में है एक तो लाइगेचर स्ट्रैंगुलेशन, यानी कि क्या है कि गले में फंदा डाल करके और उसको कस देना, ठीक है स्टूडेंट, ये लाइगेचर की एक किस्म है। दूसरा है मैलुअल स्ट्रैंगुलेशन और थ्रोटलिंग, यानी कि क्या है कि उसमें रस्सी वगैरह इस्तेमाल ना किया जाए, इंसान अपने कोहनी को और अपने अपने या अपने पैर को, है ना, इस तरह से मोड़ ले, ठीक है, जिसके वजह से क्या उसे गला फंसाने के बाद उसको दबा दे और फिर वो इंसान की डेथ हो जाए। फिर चौथा है स्टूडेंट बांस डोला। बांस डोला से कहते हैं कि बम्बूस, यानी बांस की जो दो स्टिक हो उसके दरमियान इंसान क्या करे, किसी इंसान का गला दबा करके उसे कस करके मार दे। गैरोट जिसको बताया कि एक आला होता है, जो आगे इसके बारे में पढ़ेंगे, उसके ज़रिए से भी जब गला कस दिया जाता है तो उसे गैरोट कहते हैं। और फॉर्मर स्ट्रैंगुलेशन, पामर यानी हथेली रख दे आदमी, ठीक है स्टूडेंट, जिसे क्या है कि पैसेज ऑफ एयर जो है
वो ब्लॉक हो जाए, इसके नतीजे में क्या हब्स होगा और फिर इंसान की मौत हो जाएगी। अब अगर स्टूडेंट में बात करते हैं इसमें सबब क्या बनता है, तो इस प्रीवियस स्टूडेंट जिसे मैंने बताया कि आपको हैंगिंग में हुआ या एक्सपेसिया की अगर ओवरऑल अपने याद करिए वो लेक्चर को सुनिए, तो उसमें आपको यही चीज़ बताया था कि मौत का सबब क्या होता है। तो जो स्टूडेंट वहीं रहेगा तो ये पूरे एक्सपेसिया में ही यही चीज़ लागू होगी, है ना, कॉज वही रहेगा, सेम रहेगा, जैसे बस खाली लफ्ज़ों की हेराफेरी होगी, यानी लफ्ज़ अल्फाज चेंज कर दीजिए, बात वही रहेगी। जैसे इसमें सेरेब्रल हाइपोक्सिया, उसमें भी सेरेब्रल हाइपोक्सिया था, और सेरेब्रल कंजेशन वहाँ भी आप वहाँ पे एनीमिया था, है ना, कि ब्रेन में एनीमिया डेवलप हो जाता है। और जैसे कंबाइंड एक्सपेसिया, फिर दोनों इस तरह आपस में हो जाता है, कंजेशन हो जाएगा और एनीमिया दोनों कंडीशन हो जाएगी। और तीसरा है वेगल इनिबिशन, यानी क्या है कि कार्डियक अरेस्ट हो जाता है जब जो है वेगस की जो नर्व सप्लाई होती है, अगर उसको झटके से, है ना, अगर उसको ये स्टिमुलस दिया जाएगा तो वो क्या कार्डियक अरेस्ट का होने के चांस है। तो स्टूडेंट सब कुछ वो वही रहेगा, बस खाली है कि लफ्ज़ों का तब्दील करना है और उसके बाद काजेस सब का सेम रहेंगे। फ्रैक्चर एंड डिसलोकेशन ऑफ द सर्वाइकल वर्टिब्रा, उसमें भी ये था कि C2 C3 जो वर्टिब्रा होती है वो ब्रेक होती है। इसमें जो है ये जनरल अगर बात करें तो इसमें क्या है वर्टिब्रा का डिसलोकेशन होता है या फ्रैक्चर होता है, जिसके नतीजे में ये होता है कि फिर वो गला कस जाता है और इंसान सांस नहीं ले पाता। अब स्टूडेंट हम लोग जब अभी पढ़ रहे थे कि लैगेचर स्ट्रांगुलेशन और उसके बाद मेलुअन स्ट्रांगुलेशन, मगिंग, गरोटिंग, बांस डोला, ठीक है, अब उसी के हम एक फली टाइप्स कह लेंगे आप लैगेचर स्ट्रांगुलेशन क्या होता है। लैगेचर जिसे कहने की लैगेचर स्ट्रांगुलेशन इज़ अ वायलेंट फॉर्म ऑफ डेथ, कि ये जो है मौत की क्या है कि एक फॉर्म है ना, जो लैगेचर का इस्तेमाल करके इंसान करता है। इसके अंदर क्या करता है कि जैसे रस्सी हुआ, बेल्ट हुआ या वायर हुआ, केबल हुआ, धोती, ये सब चीज़ें इस्तेमाल करता है इंसान और एक दूसरे इंसान के गले में फंसने डालने के बाद उसको कस देता है, जिसके नतीजे में उसकी मौत हो जाती है। तो लैगेचर में याद करिए स्टूडेंट, यानी कि कोई चीज़ गले में बांध दिया जाएगा, लगा दिया जाएगा, उसमें कोई भी चीज़ हो सकती है, चाहे धोती दुपट्टा या केबल वायर और रस्सा, है ना, कुछ भी हो सकती चीज़ हो सकती है, बेल्ट भी हो सकता है। तो जब ऐसी कंडीशन होगी तो वो किसका आएगा स्टूडेंट, लैगेचर स्ट्रैंगुलेशन की हेडिंग में के अंदर वो आएगा। और फिर जब ये मान ली किसी इंसान को किसी ने मार दिया ऐसे इन सब चीज़ का इस्तेमाल करके, अब क्या है कटॉप्सी फाइंडिंग क्या होगी, यानी कि पोस्टमार्टम जवाहिर क्या होगी, यानी जब पोस्टमार्टम उसका बॉडी किया जाएगा तो उसमें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, जिसे ये पता लगा जा सकता है, ये पता लगाने की कोशिश की जाएगा कि इसको जो है पहले इसका कत्ल हुआ है, या कि कभी ऐसा हो सकता है ना स्टूडेंट की आदमी क्या करे कि वो इंसान को मार के लटका दे, ये बता दे कि भाई हाँ ये इन्होंने खुद सुसाइड कर ली और खुद इतना वज़न की वजह से, और ऐसे फंदा काट दे और बोल दे कि नहीं इनका जो है हो सकता हो वजन का इतना वज़न था कि ये फंदा कट के गिर गया हो, जिसके नतीजे में ये जो है ना ये गले में इसका ये फंदा तो लगा रहा लेकिन ऊपर रस्सी टूट रही। तो इससे एक अंदाज़ा होता है कि पोस्टमार्टम जाहिर देखेंगे कि अगर जो इंसान खुद किसी करेगा तो क्या कंडीशन होगी, और जो किसी और का इन्वॉल्व रहेगा, जो इंसान किसी दूसरे पे हाथापाई करके या कि उसको मारा रहेगा, उसको गला कसे रहेगा, तो उसमें अलग फाइंडिंग मिलेगी स्टूडेंट। अब आज हम बात करते हैं कि एक्सटर्नल जवाहिर, यानी बाहर बैरूनी तौर पर क्या मिलेंगे। इसके अंदर के अगर गर्दन के आसपास देखेंगे तो वहाँ पर जो रस्सी हुआ या वायर हुआ, जो केबल का इस्तेमाल किया गया है ना, उसका निशान वाजह तौर पर उस जगह पर मिलेगा। जैसे और जैसे लैगेचर मार्क, द लैगेचर मार्क इज़ यूजुअली वेल डिफाइंड एंड ग्रुप्ड, और जिस चीज़ का इस्तेमाल किया जाएगा, नहीं अगर रस्सी का बड़ा सा मोटा रस्सा इस्तेमाल किया गया स्टूडेंट तो जाहिर सी बात है उसके मोटाई उसकी जगह मिलेगी, अगर कोई थिन चीज इस्तेमाल की गई है तो वो मिलेगा, अगर बेल्ट का पट्टा इस्तेमाल किया गया है तो स्टूडेंट तो वो भी बेल्ट का पट्टा भी उस जगह पे दिखेगा, यानी कि जो चीज़ जो मटेरियल निकल रहेगा इस्तेमाल किया रहेगा, तो अगर मान लीजिए वो आदमी गला कसने के बाद वो मटेरियल लेके भाग जाए, है ना, और तो उससे अंदाजा हो जाएगा कि हाँ मतलब इस पर क्या क्या इस्तेमाल क्या चीज़ इस्तेमाल, अगर वो चीज़ वहाँ छोड़ दे तो जाहिर सी बात कोई ज़रूरत ही नहीं कि फिर आदमी कयास करे दिमाग लगाए कि किस चीज़ इसकी मौत हुई। लेकिन अगर कभी ऐसा होता है कि वो क्या के आदमी बेल्ट से ही लगा के उसका गला खस दिया और उसके बाद वो बेल्ट की खींचकर है ना भाग गया, तब उसके बाद ये बता रहे हैं कि यहाँ पर नेक के अंदर ये लैगेचर मार्क्स को मिलेगा। अब स्टूडेंट अब ये कह रहे हैं कि
ये जिस तस्वीर में देखिए लैगेचर मार्किंग लैगेचर स्टंग मोशन, ये देखिए डीप है, ग्रुप बना हुआ है यहाँ पे बहुत ज़्यादा है ना गठ है। और ये भी क्या है कि ये जो पिट्रोफेक्शन का भी अगर अमल होगा तो ये चीज़ क्या है कि यहाँ पर ये चीज़ ये एरिया तब भी वैसे बाकी रहेगा, प्रिजर्व रहेगा, वो ख़राब नहीं होगा, इसलिए चूँकि यहाँ की ब्लड सप्लाई वगैरह जो रहती है ना वो चूँकि चीकी क्या होगी वो खत्म हो चुकी होती है, वो है ना नीचे की सर पुल आउट हो जाती है, तो इसके नतीजे में क्या है कि यहाँ पर होगा नहीं तो बैक्टीरिया वगैरह का एक्शन भी नहीं होगा, जिसके नतीजे में ये एक चमड़ी की तरह से है ना हैसियत से यहाँ पे ये रहेगा। एक तरह का ये कि क्या कि यहाँ पर मम्मीफिकेशन हो गया, यानी कि इसमें जो वाटर फ्लूड था है ना जो फ्लूड था बॉडी का वो क्या था पुल का ख़त्म हो गया है, इसके नतीजे में ये चीज़ सब बाकी रहेगा और ये पुट्रोफेक्शन में भी ये चीज़ नहीं सड़ेगी। और ऐसी कंडीशन में कह रहे हैं कि स्टूडेंट जैसे अगर हॉरिजेंटली मार्क मिलेगा, यानी जब वो फांसी जब आदमी चलाता था तो ऑब्लिक मार्क होता था, यानी क्या कि वो रास्ता क्या खींचता था है ना, आदमी जब पुल हुआ भाई स्टूल पे खड़ा था उसके बाद वो बॉडी का वेट देने के लिए नीचे गिरा तो उसके बाद क्या हुआ चीज़ें फॉरवर्ड ऊपर की तरफ गई है ना पुल हुई, यानी कि एक तरफ खींचा गया। और इसके अंदर क्या होता है कि आदमी अगर मान लीजिए एक तरफ दो कंडीशन हो सकती है, एक तो ये कंडीशन ये तो स्टूडेंट की इंसान बैठा हुआ था पीछे से कोई आया उसके कुर्सी पर बैठा हुआ था पीछे से आया गले कस दिया रस्सा और फिर उसके बाद मार दिया उसे ठीक, या दूसरी क्या कि उसको फंसाने के बाद उसको बिल्कुल अब फिर वो क्या आदमी अपना बचाव कर रहा है लेकिन फिर वो क्या बचाते बचाते फिर ज़मीन पे गिर गया, लेकिन जो मारने वाला है बिल्कुल उसने इरादा कर लिया कि इसे मारना ही है तो उसको कुछ दूर तक खींचता है ताकि इसको क्या करे और इसकी जो है सांस को रोक देगा तो ये एग्जॉस्ट हो जाएगा है ना सांस नहीं ले पाएगा, जिसके नतीजे में इसके है ना और इसका बेकाबू और ये मतलब जो है काबू में रहेगा और आसानी से उसका गला कस देगा। तो कंडीशन ये भी होती है कि ये भी इसके अंदर क्या है कि गर्दन पर इस चीज़ का भी मार मिलेगा, हॉरिजॉन्टली होगा स्टूडेंट या ट्रांसवर्सली ठीक है स्टूडेंट, ये है इसके अंदर आपके। और द मार्क भी मल्टीपल, अब ये करेंगे मार्क बहुत सारे होंगे उस पर हाँ, लेकिन क्या कंडीशन में कि इससे भी मालूम है कि क्या चीज़ इस्तेमाल की होगी, यानी कि क्या कि एक आदमी फांसी को जो जो गले का फंदा डाला है ना जो रस्सी लगाई तो उसमें एक नहीं उसमें तीन चार पाँच का ही घुमा दिया उसके गर्दन में ठीक है, तो भी उसके अंदर मिलेगा है नहीं द मार्क में भी मल्टीपल। और फिर द नॉट इज़ अप्लाई, अगर कोई इसमें गीट भी लगा रहेगा तो भी उसके मिल जाएगा, इसलिए कि जो कंट्यूजन के जो पार्ट होगा जब वो खींचेगा उसको पुल करेगा तो वहाँ पे कंट्यूजन का डेवलप हो जाएगा और उसके नतीजे में वो इसका निशान भी बाकी रहेगा। और जो स्टूडेंट आपको बताया द मार्क में भी ऑब्लिंग इन हैंगिंग इफ द विंग ऑफ हैंड इज डायरेक्ट, जो आपको बताया अभी है ना अगर डायरेक्ट करके दूर तक खींचाएगा तो उसको मार्क ऑब्लिक होगा, लेकिन अगर बैठा रहेगा कुर्सी बैठा रहा उसको गले कस दिया तो वो जो है हॉरिजॉन्टल होगा ट्रांसफर होगा, ये है स्टूडेंट। इनिशियली द बेस ऑफ मार्क इज पेल विथ रेडिश, अभी बताने का ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि ये बेस जो होता है उसके चूँकि वो खून वगैरह का ख़त्म हो जाएगा सप्लाई नहीं हो पाएगी है ना रेडिश एरिया उसके मार्जिन हो जाएगी और फिर धीरे धीरे सूख भी जाएगा वैसा काला हो जाएगा और सख्त हो जाएगा और फिर उसको पार्चमेंट लाइक यानी कि एक चमड़ी नुमा कि तरह दिखाएगा कि एक चमड़ी है। और स्टूडेंट फिर ये करेंगे फिर दूसरी अब इसकी और बात करें तो ये चल रहा था हाँ हमारी फाइंडिंग क्या द लेक्सी मच ऑफ स्ट्रंगुलेशन इज नॉट ऑब्लिगेटेड बाय पुट्रोफेक्शन, जो आपको बताया पुट्रोफेक्शन में ऐसा मतलब ये ख़राब नहीं होगा है ना वो चीज़ बाकी रहेगी बट इज प्रिजर्व। और कह रहे हैं कि इवन दाउ द मार्क गेट्स ऑब्सर्व ड्यू टू द गोइंग डिकम्पोजिशन सबकुटेनियस हेमरेज इज रिलेशन टू मार्क मे बी फाउंड, ये अब आप देखिए इसके नीचे तो आपको समझ में आ जाएगा। अदर साइंस में अगर आप देखें तो स्ट्रांगुलेशन मार्क विद डिफरेंट मैनिफेस्टेशन सीन ओवर फेस, यानी कि क्या जब गला कस देता है ये देखिए आप गला कस देगा लैगेचर मार्क यहाँ मिल रहा है स्टूडेंट और इसके नतीजे में कंजेशन हो जाएगा, आइस का भी दिखाएंगे आपको आगे, ब्लीडिंग फ्रॉम नोज यहाँ से भी ब्लीडिंग होगी और पिटेकिल हेमरेज का सब कंजक्टिवल हेमरेज, ये अदर मार्क में अदर साइंस में ये चीज़ आ रही है, यानी कि साइंस ऑफ एक्सपेजिया आर मोर प्रोमिनेंट, यानी कहा कि ब्लड कंजेस्टेड होगा पफे होगा और ठीक है फूल जाएगा उसका चेहरा, जिसके नतीजे में मालूम है कहा कि एक्सपेजिया की डेथ की वजह से इसकी मौत हुई है। और द आईज प्रोमिनेंट ओपन बल्चिंग एंड सफोस विथ स्क्लेरल हेमरेज, उस कंडीशन में हो जाएगा पर्टिकुलर ओकेजनली विथ मोर वायलेंस देर में भी सब कंजक्टाइवल हेमरेज, ये देखिए स्टूडेंट चुतीवादी लिखी गई कोई बहुत मुश्किल नहीं है ना उसको आप पढ़ लीजिएगा समझने की कोशिश करिएगा, ये जो हेमरेज है ना ये पिटेकिल हेमरेज में आल्सो बी नोटेड आयन आईलिड्स, इस जगह पे ये देखिए क्या है कि खून का इकट्ठा हो गया है ना और इसका रिटर्न हुआ नहीं तो इसलिए जगह पे क्या है कि वो बाहर की तरफ आने की कोशिश किया तो वहाँ पे हेमरेज का सीन दिखाई दे रहा है कि इसके लिए के ऊपर में। और स्पिंटर्स मे बी रिलैक्स विथ वर्डिंग ऑफ यूरिन फीसिस, और ऐसी कंडीशन में जिसके साथ ये अमल किया जाता है तो उसका क्या होता है फीसिस यूरिन का भी अखराज हो जाता है। इंटरनल एग्जामिनेशन करेंगे स्टूडेंट जब उसका
अंदरून तौर पे, यानी कि कहिए कि उसका क्या करेंगे, तो अंदरूनी जवाहिर में क्या पोस्टमार्टम, ठीक है ना, क्या करेंगे अगर करें कि इस कंडीशन में क्या करें, होमिसाइडल ये सुपरफिशियल हेमरेज में भी प्रेजेंट अंडरनीथ द लैगेज विद एविडेंस ऑफ हेमरेज इन मसल्स एंड सॉफ्ट टू एनहेबप द एरिया कॉम्प्रेस, जिस एरिया में ये चीज़ किया गया है ना, मोस्टली होता है कि वो गर्दन के ऊपर जो होता है, टेक्या के ऊपर ही इस समय ये अमल होता है, तो उस एरिया में उस जगह पर स्टूडेंट वहाँ पर ये मार्क मिलेगा, मार्क मिलने मतलब बाद जो है पूरी तरह से हेमरेज मिलेगा है स्टूडेंट, और मसल्स और सॉफ्ट टिश्यू उस एरिया में जो होंगे उनमें कहते हैं सभी कहते हैं, और वो कंप्रेस यानी बिल्कुल दबे हुए होंगे, है ना, क्योंकि आदमी कस देता है जोर से, जस करने के बाद क्या होगा वो सब चीज़ें क्या होगी कंप्रेस हो जाएंगी, दब जाएंगी, है ना, उस एरिया में जो पोस्टमार्टम के जो इंटरनल अंदरूनी जवाहिर में चीज़ें मिलेंगी। अब स्टूडेंट हम लोग बात करते हैं इसका मेडिकल इम्पोर्टेंस यानी तिब्बी कानूनी अहमियत क्या होती है, तो एक चीज़ याद रखिएगा स्ट्रांगुलेशन में स्टूडेंट्स की सीधी सी बात यही है कि होमिसाइडल स्ट्रांगुलेशन इज मोर कॉम, यानी कि ये होमिसाइडल ही होगा, ऐसा नहीं होगा कि वही इंसान आधी बैठा हुआ है सुसाइड खुद से गले बैठे बैठे अपना गला दबा ले, है ना, या अपने गले में कस रस्सी कर ले, हाँ, लेकिन ये कंडीशन हो सकती है कब, जब वो एक्सीडेंटल होगा, ठीक है स्टूडेंट, जैसे एक्सीडेंटल हुआ, मोर वेल इन फॉरेंसिक प्रैक्टिस इट शेड दैट द स्ट्रांगुलेशन इज ऑलवेज होमिसाइडल, यानी हमेशा ये कहा जाएगा कि अगर फॉरेंसिक मेडिसिन में अगर इसका आएगा स्ट्रांगुलेशन ये कोई कहता है तो ये बिल्कुल माना जाएगा कि नहीं स्ट्रांगुलेशन जो है वो कत्ल के ही उसमें आता है, या हाँ बाय द वे अगर कोई कंडीशन होती है तो उसमें एक्सीडेंट का भी मेन जो है फिर रोल एक्सीडेंट का ही होगा। अब स्टूडेंट की बात करें तो देखिए उसके अंदर जैसे स्कार्फ है, दुपट्टा है, मशीन है, बेल्ट वगैरह आदमी लगाए हुआ है, ठीक है, या जैसे मुस्लिम माता है कि गैर मुस्लिम होती है वो क्या कहते हैं कि मतलब उन्होंने साड़ी भी पहन रखा था पहले थे या दुपट्टा भी पहनते हैं तो वो उनका अंदाज़ा होता नहीं है, तो वो मालूम है क्या कि बाइक पे बैठी हुई है, वो बाइक चल रही है और बाइक के रिंग में क्या है कि उसका पिछले पहिए में उसका दुपट्टा आ गया, अब वो क्या है कि उसका फिर क्या है उसके बाद दुपट्टा कसते कसते क्या है वो इतना हो जाएगा कि उसके गर्दन में भी जो अपने दुपट्टा का उसने लगाए रहेगा, है ना, वो उसको वो उसका भी गला वो फंस जाएगा, जिसके नतीजे में क्या हो उसकी मौत हो जाती है, तो ये एक्सीडेंटल में ये चीज़ आती है स्टूडेंट। और फिर अब ये स्टूडेंट एक चीज़ है कि द स्ट्रांगुलेशन में भी मिस्टेकन फ्रॉम द हैंगिंग और वाइस वर्सा, कह रहे हैं कि इसमें जो है यानी कि गला घोटने के अमल में और हैंगिंग जो इंसान लड़ता फांसी लगाता है उसमें कन्फ्यूज़न हो सकता है कि यार ये हैंगिंग हुआ है या कि जो है स्ट्रांगुलेशन, तो स्टूडेंट उसके लिए क्या करेंगे फिर आप टाइबल में देखेंगे कि इस तरह किस तरह से फ़र्क करेंगे, वो इसके ज़रिए से वजाहत हो जाएगी। देखिए डिफरेंस बिटवीन हैंगिंग एंड स्ट्रांगुलेशन, ये देखिए आप स्टूडेंट इसमें क्या है मैनर, ये हैंगिंग में क्या हो गया मोस्टली क्या सुसाइडल होता है, और ड्रिबलिंग फ्रॉम माउथ ओवर चिन और चेस्ट, यानी कि जो सिलाई होता है उसका जो है मुंह से निकलने के बाद क्या है कि माउथ पर और जो है चेस्ट पर आ जाता है, लेकिन कहता है कि अब जाहिर बात है स्ट्रांगुलेशन में क्या होगा इंसान बैठा होता है उसका दबा के उसका फिर नीचे पटक देता है इंसान, ठीक है ना, तो वो चूँकि वो बिल्कुल मना कर दिया है ना, तो उसका किसी तरह से कोई सलाइवा वगैरह नहीं आया, क्योंकि आदमी क्या करता है उस वक्त अपनी कोशिश करता है ना अपने आप को बचाने के लिए, इसलिए इस चीज़ उसके अंदर क्या है कि माउथ बिल्कुल उसका सूज जाएगा, ड्राई हो जाएगा, ऐसे कंडीशन नहीं होता। और फिर स्टूडेंट हम लोग बात करें तो देखिए लाइगेचर मार्क जो होता है इसमें बताया आपको ऑब्लिक होगा, नॉन कंटिन्यूस होगा, और इसके अंदर जो है हॉरिजॉन्टल होगा और कंटिन्यूस मार्क जो हो गया, स्टूडेंट्स को पढ़ लीजिएगा क्योंकि आपको हैंगिंग पढ़ लिया और इसको भी आपने पढ़ लिया तो अब आपको थोड़ा समझना आसान होगा। लैरिंग सेंटर क्या, क्योंकि मैं ज़्यादा इस पर बोलूँगा तो फिर वो वीडियो का ही लंबा हो जाएगा। फिर स्टूडेंट यहाँ पे हमने ये क्या किया कि आपकी और आसानी के लिए हमने जो है इसको उर्दू में जो आपकी बुक में है यूसुफ अंसारी साहब की उसका जो है भी मैंने यहाँ पर आपके ऐड कर दिया ताकि जो है आपको वो किताब देखने की ज़रूरत ना पड़े। फांसी और गला घोटने यानी तकनीक के दरमियान फ़र्क है, उम्र खुदकुशी होती है और उमूमा इसमें कातिलाना होता है, ठीक है, जद्दोजहद की अलामत नहीं पाते इसमें जद्दोजहद की अलामत पाई जाती है। तो स्टूडेंट जो आपको इंग्लिश में लिखा उसको तो कंपेयर कर लीजिएगा, फिर आपके जो पॉइंट आपके जहन में रह जाए स्टूडेंट उसे आप जहन में रखिएगा, जहन में रखने के बाद फिर वही आपका जो है क्या एग्ज़ाम में लिखने में आपके लिए आसानी होगी। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए मुझे याद दीजिए, अल्लाह हाफिज़।